हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ढूंढने का कार्ल पियर्सन मेथड का फॉर्मूला नंबर 1 कवर कर लिया है। आई होप यू ऑल रिमेंबर फॉर्मूला नंबर 1। इट वाज आर इक्वल्स टू, वी जस्ट राइट इट अगेन, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वेयर एन सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वेयर। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जब ये फॉर्मूला सीखा और आपने इसके काफ़ी सारे सम प्रैक्टिस किए, सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड हमें ये सम सॉल्व करने के लिए एक्स वाई के कॉलम के बाद उस एक्स वाई का इनटू, फिर एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर प्रिपेयर करना है। सो दिस इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज और सम काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाता है। बट अगर गिवन वैल्यूज काफ़ी बड़े हुए तो ये मेथड लगाना पॉसिबल भले है, बट इट विल बिकम कंबर्सम, बोरिंग। जैसे नंबर्स बड़े होते हैं तो उनका इनटू करना, स्क्वायर करना, दिस ऑल बिकम अ टीडियस जॉब। दो वी हैव कैलकुलेटर, बट मिस्टेक होने का स्कोप रहता है। सो नाउ एक बार एक थ्योरी कॉन्सेप्ट हम पहले सीख लें, देन वी विल डिस्कस कि फॉर्मूला 2 एग्जैक्टली कैसे बना है। लेट अस लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन, सर सुना हुआ सा वर्ड लग रहा है, सो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ न्यू वर्ड। आपने 11th स्टैंडर्ड में भी मीन ढूंढने के दो मेथड किए हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। सो जब हम शॉर्टकट मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी फॉर्मूला लगाते हैं, आई सेड हम जब शॉर्टकट मेथड में मीन ढूंढने के लिए ए वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन। हम उसको साइड में रखते हुए अब चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब समझते हैं। व्हेन फ्रॉम गिवन वैल्यूज, आई विश आप सब भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन और आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करेंगे। व्हेन फ्रॉम गिवन वैल्यूज एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड और एडेड, आई रिपीट, व्हेन फ्रॉम गिवन वैल्यूज एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड और एडेड, इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। सर ये चेंज ऑफ ऑरिजिन आपने थ्योरी लिख दिया, मैं ये भी समझ गया, बट एग्जैक्टली इसका यूज क्या है? बेटा इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ आई हैड सेड सिर्फ फॉर्मूला से सम करना किसी को भी आता है, बट कॉन्सेप्ट समझ के वो फॉर्मूला को यूज करना इज द विनर्स गेम, और आप विनर बनना चाहते हैं। लेट अस सी, इफ आई से, मैं इसको मीन की मदद से ही एक्सप्लेन करूंगा। सपोज द नंबर्स आर 20, 22, 25, 30, 28। अब अगर हम ऐसा कह दें कि इस सारे नंबर्स में 20 तो कॉमन है ही है, सो इफ आई फाइंड आउट डिफरेंस बाय सब्ट्रैक्टिंग 20 फ्रॉम ईच वैल्यू, सो लाइक डेविएशन डी निकाल रहे हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग 20 फ्रॉम ईच वैल्यू, तो 20 माइनस 20 इज 0, 22 माइनस 20 इज 2, 25 माइनस 20 इज 5, 30 माइनस 20 इज 10 एंड 28 माइनस 20 इज 8। मैंने इन सारे वैल्यूज में से 20 सब्ट्रैक्ट किया है, 20 माइनस 20, 22 माइनस 20, 25 माइनस 20, 30 माइनस 20 और 28 माइनस 20। सो इफ आई मेक अ टोटल ऑफ दिस 2 एंड 5 7 एंड 8 15 एंड 10 इज 25। सो इफ आई टेक आउट एवरेज ऑफ दिस ओनली 25 टोटल, 25 डिवाइड बाय 5 वैल्यूज, सो इफ यू अंडरस्टैंड आवर आंसर इज 20 प्लस 5
सो आंसर इज 25। सर ये आपने क्या ढूंढा है? अब एक मैजिक होगा, आप वो देख के खुश हो जाएंगे। सपोज आई टेक द डायरेक्ट टोटल ऑफ दीज वैल्यूज, सो इट इज 2 and 5, 7 and 8, 15, 1 इज कैरिड, सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड इट इज 12। सो इफ आई यूज डायरेक्ट मैथड टू फाइंड मीन, इट इज 125 divided by 5, मीन इज 25। सर मुझे मीन की फॉर्मूला नहीं याद है जो 11th में थी। ऑब्वियसली नो नीड, नथिंग नीडेड, कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। आपको अब ये दिख के सिर्फ इतना पता चल रहा हो कि मीन कैसे ढूंढते हैं, तो इट्स फाइन। मीन इज 125 टोटल डिवाइड बाय 5, सो आंसर इज 25। ओके, और ये आंसर भी 25 है। सर तो ये कौन सा फॉर्मूला है? यह सब हम याद करते हैं, जो नंबर हम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं उसको ए बोलते हैं, तो दिस इज 20 इज ए। सर ये अपॉन में तो एन लिखा हुआ है, ये 25 इज द टोटल ऑफ डी, सो इट इज सिग्मा डी। सो आज भले हमने 11th स्टैंडर्ड का क्लास नहीं पढ़ रहे, बट हमने ये समझ लिया कि इस फॉर्मूला से और इस फॉर्मूला से आंसर सेम आता था। क्योंकि वो दो चीज़ों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। आप इसको डायरेक्ट मेथड कह रहे हैं, इसको शॉर्टकट मेथड कह रहे हैं, बट ये जो है वो चेंज ऑफ ऑरिजिन का प्रैक्टिकल यूज है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल मतलब आपको समझाता हूँ। When we subtract 24 from given values, you know we are assuming कि mean 20 है, तो 20 तो आंसर आ ही गया। अब बाकी के जो नंबर बचते हैं, the differences which we get, हम सिर्फ उनका एवरेज निकालते हैं। I will repeat, जब हम 20 subtract करते हैं तो we assume कि mean तो 20 है ही है। Assumed mean is 20, नाम में ही logic है, A is assumed mean is 20, तो हम 20 तो यहाँ ले ही रहे वैल्यू। देयर आफ्टर हम इनका टोटल ले रहे 25, उसका एवरेज निकाल रहे, तो आंसर टैली हो रहे। सो जब हम इस तरह का कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सब्ट्रैक्शन एक्टिविटी, तो उसको कहते हैं व्हेन फ्रॉम गिवन वैल्यूज एनी पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड और एडेड, इट इज कॉल्ड चेंज ऑफ ऑरिजिन। अब मैं इसका एक्सटेंशन लेवल आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीखिएगा। सपोज वैल्यूज ऑफ एक्स आर 10, 20, 30, 40, 50, वैल्यूज ऑफ वाई आर 10, 20, 30, 40, 50। इफ आई पुट इट ऑन ग्राफ, इट इज 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50। सो यू गेट 10 के सामने 10, 20 के सामने 20, 30 के सामने 30, 40 के सामने 40 और 50 के सामने 50। सो द रिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, ऑल ऑफ यू नो दिस, इट इज परफेक्ट पॉजिटिव। अब एक मैजिक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। सपोज आई से इट इज एक्स माइनस सम नंबर एंड वाई ऑल्सो माइनस सम नंबर। सपोज आई मेक इट आउट, सपोज हर एक्स की वैल्यू में से हम 10 माइनस कर रहे हैं, सो इट इज 0, 10, 10 - 10 = 0, 20 - 10 = 10, 30 - 10 = 20, 40 - 10 = 30, एंड 50 - 10 = 40। ओके, यू विल एंजॉय दिस। और सपोज हम हर y की वैल्यू में 10 ऐड कर रहे हैं, सो लाइक 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 10 = 40, 40 + 10 = 50, एंड 50 + 10 = 60। ऑब्वियसली शायद कई सारे स्टूडेंट्स अभी तक अपने आप समझ गए होंगे, बाकी जवाबदारी मेरी है। मैं कह रहा हूँ व्हेन आई पुट दीज वैल्यूज ऑन ग्राफ 0, 10, 20, 30, 40, एंड दीज वैल्यूज आर हियर लाइक 10, 20, 30, 40, 50, सो यू नो व्हाट यू एंड 60। सो इट इज 0 के सामने 20, 10 के सामने 30, 20 के सामने 40, 30 के सामने 50, एंड 40 के सामने 60। हाँ सर, ग्राफ थोड़ा ऊपर हो गया। बेटा ग्राफ ऊपर नीचे हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इवन डिपेंड्स अपॉन स्केल, बट नाउ यू कैन कंक्लूड, I said you can conclude कि ये भी perfect positive दिख रहा है, ये भी perfect positive दिख रहा है। तो अब मैं आपके पते की बात करूंगा जिसके लिए मैंने आपको ये पूरा concept समझाया। And now listen this very carefully, आज का lecture हमने change of origin concept समझने से start किया। So आप सबकी notebook में अभी तक सिर्फ change of origin का meaning लिखा हुआ होना चाहिए। जो स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को बाय हार्ट लर्न करना चाहते हैं या बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं, इफ दे आर नोटिंग इट दिस वे, अगर आप सब नोट करो इट्स फाइन, कोई जरूरत नहीं है। इफ दिस पैराग्राफ इज नोटेड इट्स फाइन।
देन अब मैं कुछ लाइन बोलूंगा, ये आपका वन मार्क का एमसीक्यू भी है, प्लस कॉन्सेप्ट भी है, प्लस अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है सर मैं सीए करूंगा, सीएस करूंगा, सीएमए करूंगा, मैं एमबीए करूंगा, जहां कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू है, तो ये क्वेश्चन आपको काम आएगा। व्हेन आई से मीन, दिस इज मीन, मीन इज डैश ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, सो आंसर इज मीन इज डिपेंडेंट, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप मीन का आंसर ढूंढते हो और उसमें हर वैल्यू में से कुछ माइनस कर लेते हो, तो जो माइनस हुआ था उसे वापस आना होगा प्लस होके, तो ही आंसर सही आएगा। सी, आपने यहां 20 माइनस किया, यहां 20 प्लस किया, तो ही आंसर टैली हुआ है। तो इसको बोलते हैं मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, मीन को चेंज ऑफ ओरिजिन अफेक्ट करता है। अब वो वन मार्क का एमसीक्यू बोल रहा था, वेरी क्लियर लिसनिंग, पेशेंस लिसनिंग, एकदम ध्यान से सुनिएगा। व्हेन आई से कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज डैश ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, सर ये क्वेश्चन मुझे काम आएगा, लिख लो नोटबुक में अगर आप लिखना चाहते हो तो, चेंज ऑफ ओरिजिन का मीनिंग के बाद इमीडिएटली आपका ये नोट किया हुआ होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इंडिपेंडेंट नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। सर इसका मतलब आप ओरिजिनल वैल्यूज का आर ढूंढो तो वो भी परफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है, कुछ माइनस प्लस करके आर ढूंढो तो भी आंसर वही आ रहा है, तो माइनस प्लस होने का आर पे कोई असर पड़ता नहीं है, आंसर ऑफ आर रिमेन सेम, मे यू सब्ट्रैक्ट सम वैल्यू और मे यू ऐड सम वैल्यू। और अब यही चीज आज के हमारे नए मेथड का बेस है। वील गो टू फॉर्मूला नंबर 2, हम इसका प्रैक्टिकल यूज करना सीखेंगे, बट उसके पहले आई रिपीट, एवरीवन माइंड इट वेरी वेरी वेल, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। सो अब हम एक काम करेंगे, हमने जो कल फॉर्मूला सीखा था अब हम उसमें कहीं ना कहीं चेंज ऑफ ओरिजिन का यूज करना सीखेंगे। सो दिस इज योर यस्टरडेज फॉर्मूला, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय दिस टू रूट्स, आई एम नॉट रीडिंग दैट अगेन। ओके, सपोज आई विश टू कन्वर्ट एक्स टू एक्स माइनस एक्स बार, सर ये आप क्या कर रहे हो बेटा, वी सी डी इज एक्स माइनस ए, तो ए कैन बी एनी नंबर, सपोज आई वॉन्ट टू टेक इन सब्ट्रैक्शन मीन, सपोज आई वॉन्ट टू टेक इन सब्ट्रैक्शन मीन, मैं मीन सर वो क्यों ले रहे, फायदा सिखाऊंगा जस्ट अ मिनट। अगर हम एक्स में से एक्स बार माइनस कर रहे हैं और वाई में से वाई बार, सो नाउ अगर x में से x बार माइनस कर रहे हैं y में से y बार, तो हमें क्या एडवांटेज होगा या फॉर्मूला कैसी दिखेगी, हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सो फॉर्मूला विल अपीयर लाइक दिस, n सिग्मा x की जगह x माइनस x बार, y की जगह y माइनस y बार, x की जगह x माइनस x बार, y की जगह y माइनस y बार। n सिग्मा एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स बार, वाई की जगह वाई माइनस वाई बार, और वाई की जगह वाई माइनस वाई बार। सर यार ये तो दिखने में बहुत भारी हो गई फॉर्मूला, डोंट वरी भारी नहीं है, अब दो मिनट में इसको हल्का भी बना देंगे। यस, सो मैंने सिर्फ क्या किया है, x की जगह x माइनस एक्स बार, y की जगह y माइनस वाई बार लिख के आपके लिए फॉर्मूला रीराइट किया है। नाउ दोज़ हू रिमेंबर, इट इज एक्सलेंट, दोज़ हू डोंट रिमेंबर, आई विल मेक यू रिमेंबर कि जब मैं ये लिख रहा हूं, मैंने आंसर नहीं लिखा है, आई एक्सपेक्ट कोई तो होगा जो अपने मन में ये सोच लेगा सर ये क्या बताने वाला है। यस, सिग्मा x माइनस एक्स बार एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार अलोन, 11th स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, क्या होता है इसका आंसर, थिंक, सोचो, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार क्या होता है या सिग्मा वाई माइनस वाई बार क्या होता है, सर मुझे नहीं याद है, डोंट वरी हम प्रूव किए बिना कुछ नहीं करते, 5, 10, 15, 20, 25, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका टोटल लगाएंगे
मीन निकालेंगे तो 15 आएगा. सो 5 माइनस 15 10 माइनस 15 15 माइनस 15 20 माइनस 15 25 माइनस 15. सर याद आ गया, अब ऑब्वियसली मेरे कराने के बाद तो याद आना ही था. सो द टोटल इज ज़ीरो. सर ये तो आपने सब में ऐसी सेटिंग की होगी कि आंसर ज़ीरो आ रहा है. कोई सेटिंग नहीं है, ये दुनिया का फिक्स रूल है. एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज ज़ीरो, वाई माइनस वाई बार इज ऑलवेज ज़ीरो. सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज ज़ीरो, सिग्मा वाई माइनस वाई बार इज ऑलवेज ज़ीरो. सो नाउ विल एलिमिनेट ज़ीरोज. ये लिखा हुआ है एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये तो इन टू है, छोड़ दो इसको. दिस इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, नाउ दिस इज ज़ीरो, परमानेंट ज़ीरो हमें पता है. सिग्मा वाई माइनस वाई बार इज परमानेंट ज़ीरो. एन ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ठीक है, माइनस एक्स माइनस एक्स बार दिस इज परमानेंट ज़ीरो. एन सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर ठीक है, सिग्मा वाई माइनस वाई बार इज परमानेंट ज़ीरो. सो इफ आई एलिमिनेट दिस मच पार्ट तो फॉर्मूला हो जाता है एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. अब आपको ये भी पता है ये रूट एन और रूट टेन, सो रूट थ्री इज थ्री. सो रूट टेन विल बिकम एन एंड अल्टीमेटली दिस थ्री विल कैंसल. वैन ऐसे अल्टीमेटली दिस थ्री विल कैंसल तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है. इट इज नाउ अवर मैथड ऑफ द डे, आर इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. ऑल ऑफ यू, मैं आपके नॉलेज के लिए चीज़ फिर से रिपीट कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स, कोई भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जानता है कि आर ढूंढने की एक और भी फॉर्मूला है ये वाली, और आप ये जानते हो कि ये और ये एक ही है, ये इसमें से कैसे बना और ये बनाने के पीछे चेंज ऑफ ओरिजिन का हाथ है. सो नाउ यू आर क्लियर विद द फॉर्मूला. सो अभी अपना काम ये रहेगा कि नाउ वील नोट दिस एज मेथड टू एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेथड टू. दिस इज मेथड टू और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मेथड टू. ये सब प्रूफ आपके समझने के लिए थे. इफ समवन इज नोटिंग इट्स फाइन. अब हमारा आज का फॉर्मूला है ये. फॉर्मूला याद करेंगे, आर इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. सर ये फॉर्मूला मैं कब लगाऊंगा? ऐसे तो ये फॉर्मूला कभी भी लगाई जा सकती है क्योंकि इसका और इसका आंसर हमेशा सेम आता है, बट प्रेफरेबली मीन अगर डेसिमल में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करके बहुत पंगे हो जाएंगे, तकलीफ होगा यूज करने में. तो वी यूज व्हेन मीन आर इंटीजर्स. वी यूज दिस व्हेन मीन्स आर इंटीजर्स. सो जब क्वेश्चन में दिए हुए वैल्यूज का हम एक बार मीन निकाल के देखेंगे तो अगर वो इंटीजर है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. सो मैं आज तक का एक आपको एक फ्लो चार्ट समझा देता हूं. हम एक काम कर सकते हैं, जब गिवन वैल्यूज काफ़ी छोटे हैं वील यूज दिस फॉर्मूला, गिवन वैल्यूज बड़े हैं तो हम उनका मीन निकाल के चेक करेंगे एक्स बार वाई बार. अगर वो इंटीजर्स होंगे यानी पॉइंट्स में नहीं होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर वो पॉइंट में हुए तो बस फिर कल का इंतज़ार करिए, कल का फॉर्मूला सिखाऊंगा. लेट अस स्टार्ट. आप ये फॉर्मूला नोट करें तो हम प्रैक्टिकल सम करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सम ऑफ दिस मैथड. आपने अभी तक इस चैप्टर के 1 टू 11 सम्स कर लिए हैं. नाउ वी आर मूविंग टू सम नंबर 12 फ्रॉम पेज नंबर 15. लेट अस स्टार्ट नोटिंग दैट. पहले रीड कर देता हूं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप देखिएगा. क्वेश्चन 12, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय टेकिंग अ सैंपल ऑफ 7 कैंडिडेट्स. 7 लोगों का सर्वे करके हमने ये डेटा निकाला है. सो ऑब्वियसली एन इज 7, क्वेश्चन में 7 वैल्यूज दिए रहेंगे. Having nearly same intellectual ability, यानी same बुद्धि वाले व्यक्ति थे. To know the effect of last day preparation for a competitive exam of general knowledge on result. Yes, हमें पता है
जितना हम लास्ट डे पे कितना प्रिपरेशन करते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट कितना अच्छा आता है। तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा है आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। सर आंसर दिख रहा है स्क्रीन पे, आंसर नीचे ब्रैकेट में 0.96 पॉजिटिव लिखा हुआ है। बेटा वो उनका ढूंढा हुआ है, हम ढूंढे फिर हम बात करेंगे। इट इज़ अगर दो चीज़ें दी हुई है, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो लास्ट डे पे और कितना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जनरल रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो हम उसको एक्स और वाई करके नोट करेंगे। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रीडिंग आवर्स ऑफ द लास्ट थ्री डेज एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड इंटरप्रेटेड। यस, तो आज हमें इंटरप्रिटेशन भी लिखने का मौका मिलेगा। स्टार्ट नोटिंग। एक्स इज रीडिंग आवर्स, वाई इज मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड एक्स और वाई के वैल्यूज। सो एक्स इज 25, 38, 30, 24, 40, 36, 65, 75, 68, 70, 72, 79 and 75। ऑब्वियसली यस, आपको याद होना चाहिए, मैंने बोला था क्वेश्चन दो बार रीड करेंगे। वैल्यूज एक बार ध्यान से कॉपी मारने के लिए देख लें। 25, 38, 30, 28, 34, 40 and 36, 65, 75, 68, 70, 72, 79 and 75। यस, क्वेश्चन इज नोटेड। सो अब मेरे साथ ये सम करते जाएं, यू विल एंजॉय डूइंग इट। हम इस सम में ये नोट कर सकते हैं, गिवन वैल्यूज आर लार्ज, वैल्यूज बड़े हैं, वो एक्स वाई मेथड से, सर ये सम एक्स वाई मेथड से करूं, हो सकता है, बट हम हर मेथड के सम प्रैक्टिस करेंगे, फिर एग्जाम में जो मेथड हमें सही लगेगा हम वो यूज करेंगे। सो हम सबसे पहले वैल्यूज क्योंकि बड़े हैं तो उनके लिए सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ढूंढेंगे। लेट अस फाइंड, आप भी मीन ढूंढिए, मैं भी ढूंढ रहा हूं। 25, 38, 30, 28, 34, 40 and 36, इट इज 231, 65, 75, 68, 70, 72, 79 and 75 is 504। So mean is sigma x by n, 231 by 7, y bar is sigma y by n, so 504 by 7, so it is 33. And this is 72. You please take your time और आप इसको calculate करेंगे। अब एक बार आपके mean ready हो गए हैं, सर ये mean point में आते तो क्या करते? All of you, मैंने कुछ मिनट पहले ही कहा है mean point में आएंगे, वो game हम कल सीखने वाले हैं। आज का game है mean point में नहीं आएगा, मेरे पे विश्वास रखिए, जितने सम आज कराऊंगा किसी में भी mean point में नहीं आएगा। So now we'll just note the formula first, तो हमें पता चल जाए कि हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए रहेंगे। वी हैव फॉर्मूला x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बाय x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर रूट एन y माइनस वाई बार होल स्क्वायर रूट। सो नाउ वी नीड 1, 2 and 3 कॉलम्स। इसमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, y माइनस वाई बार का स्क्वायर चाहिए, उनका इनटू चाहिए। सो रिमेंबर, हमें इतने कॉलम बनाने होंगे, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। सर इसका टोटल जो अगर ये मेरे से लॉजिकली सीख रहे हैं, मैं कॉलम बनाऊं उसके पहले ही बता रहा हूं, इनका टोटल जीरो आएगा। हमने अभी अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, टोटल हैज टू बी जीरो। टोटल जीरो ना हो तो हमारी गलती है। तो सर ये मेथड यूज करने का एडवांटेज, हमें आधे सम तक तो पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही जा रहा है, तो इट इज जीरो। देन अब हम तीन कॉलम रेडी करेंगे, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार का इंटू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड y माइनस वाई बार का स्क्वायर। सर ये मैं कैसे याद करूं? लास्ट सम में आप x और y के लिए एक्स वाई का इंटू कर रहे थे, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर कर रहे थे। अब हमने x को x माइनस एक्स बार में कन्वर्ट किया, y को y माइनस वाई बार में, तो उन दोनों का इंटू इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इस तरह से रेडी करेंगे। इफ यू आर नाउ क्लियर विद द कॉलम्स, हम x के हर वैल्यू में से 33 सबट्रैक्ट करने वाले हैं, y के हर वैल्यू में से हम 72 सबट्रैक्ट करने वाले हैं। यस,
दोज हु हैव लर्नड दिस इन 11th स्टैंडर्ड इट इज़ फाइन, बाकी सारे स्टूडेंट्स अब ये चीज़ मेरे से सीखेंगे. इफ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 33 फ्रॉम ऑल, वी हैव अ कैलसी शॉर्टकट, फोकस ऑन दिस. 25 माइनस 33 इज माइनस 8. अब आम तरह से स्टूडेंट ऐसे करते हैं, 38 माइनस 33 इज 5, 30 माइनस 33 इज माइनस 3. नहीं, ये गलत मेथड है. ऐसे करके आपको इतनी बार माइनस 33 लिखना पड़ेगा. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. कैलसी टेक्निक इज, आप ऐसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से दिखिएगा, 25 माइनस 33 इक्वल, सर सेम जा रहा है, वेट बेटा, 25 माइनस 33 इज माइनस 8. इज दिस क्लियर? फर्स्ट आंसर आ गया है. सो अब ऐसे रहेगा, नथिंग टू प्रेस, एनीथिंग एल्स कुछ भी नहीं प्रेस करना है. स्क्रीन पे माइनस 8 दिख रहा है, नॉट राइट, 38 इक्वल टू, तो आंसर आया 5. अब आप लिखेंगे 30 इक्वल टू, तो आंसर आया माइनस 3. अब आप लिखेंगे 28 इक्वल्स टू, 34 इक्वल्स टू, 40 इक्वल्स टू, 36 इक्वल्स टू. एक बार ये सब इक्वल्स टू हो गया, अगर आप जीटी दबा देते तो टोटल इज ऑब्वियसली 0. हम टैली भी कर सकते हैं, माइनस 8 माइनस 3 इज माइनस 11 एंड 5 इज माइनस 16 एंड 5 एंड 1 6, 6 एंड 7 13, 13 एंड 3 16, माइनस 16 प्लस 16, आंसर इज 0. सर ये कॉलम का फॉर्मेशन फिर से समझना है. लेट्स स्टार्ट. 25 माइनस 33 इज माइनस 8, 38 इक्वल्स टू, 30 इक्वल्स टू, 28 इक्वल्स टू, 34 इक्वल्स टू, 40 इक्वल्स टू एंड 36 इक्वल्स टू. सेम फॉर वाई, हमें 72 सब्ट्रैक्ट करना है, सो इट इज 65 माइनस 72, एक बार दबाना रहेगा, 65 माइनस 72 इक्वल्स इज माइनस 7. अब आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 75 इक्वल्स टू, 68 इक्वल्स टू, 70 इक्वल्स टू, 72 इक्वल्स टू, 79 इक्वल्स टू एंड 75 इक्वल्स टू. एक बार टैली कर लेते हैं, जीटी दबाएंगे तो टोटल 0 ही आएगा. माइनस 7 एंड 4 11 एंड 2 13 ऑफ माइनस एंड प्लस का भी 13 है, सो द आंसर इज 0. सर ये दो कॉलम बनाने की एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है, मेथड सीख लो, यू विल अंडरस्टैंड कितना अच्छा है. भले दो कॉलम का एक्स्ट्रा बनाने का मेहनत हुआ, बट यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप इन वैल्यूज का इनटू कर रहे थे, इन वैल्यूज का स्क्वायर कर रहे थे, इट वाज गोइंग वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था. अब हमारे ये वैल्यूज हो गए हैं बहुत छोटे, एकदम स्मॉल वैल्यूज हो गए, तो अब अपने को कोई टेंशन आने वाला नहीं है. और एक तो दो कॉलम का टोटल 0 आया, तो गारंटी भी मिल गया कि यहाँ तक के कॉलम ठीक है. नाउ आई विल सजेस्ट, हम सबको ये पता ही होगा बट मैं सिखा रहा हूँ, प्लस प्लस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस. अगर कोई बच्चा किसी दिन कोई तकलीफ करता है तो ये कॉलम की साइन में ही करते हैं, तो हम साइन को पहले ही ख़त्म कर देंगे. माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस 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 एंड प्लस प्लस प्लस. सर ये मैं पहले ना करूं और साथ में करता जाऊं, इट्स योर ओन चॉइस, बट एक बार साइन साइड में क्लियर हो गई तो फिर हमको एक्शन पता चल जाएगा, जो प्लस होंगे वो ऐड होंगे, जो माइनस होगा वो माइनस होगा. 8 इंटू 7 स्टार्ट वर्बली करें या कैलसी पे करें, इट इज़ फाइन, इन दोनों का इंटू करना है. 5 इंटू 3, 3 इंटू 4, 5 इंटू 2, 1 इंटू 0, 7 इंटू 7 एंड 3 इंटू 3, इट्स डन. अब x माइनस एक्स बार स्क्वायर का स्क्वायर करना है. 8 स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1, 7 स्क्वायर 49 एंड 3 स्क्वायर इज 9. y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है. 7 स्क्वायर 49, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर इज 4, 0 स्क्वायर इज 0, 7 स्क्वायर इज 49 एंड 3 स्क्वायर इज 9. सर्स, सारे हीरोज एंड हीरोइंस, एवरीवन, अब इन कॉलम्स का टोटल रेडी कर लें. 56, 15,
ट्वेल्व टेन फोर्टी नाइन नाइन सिक्सटी फोर ट्वेंटी फाइव नाइन ट्वेंटी फाइव वन फोर्टी नाइन नाइन फोर्टी नाइन नाइन सिक्सटीन फोर फोर्टी नाइन एंड नाइन. So all of you, once you are ready with this totals, now the magic begins. आप ये समझ सकते हैं XY method से किसी को ऐसा लग सकता है कि टेबल में दो कॉलम एक्स्ट्रा बन गए, सर मेरा टाइम वेस्ट हो गया. बट इतना समझ लो, इनका स्क्वायर और इंटू करने में आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे थे, अब इनका इंटू और स्क्वायर बहुत जल्दी हो गया. एंड द रियल बेनिफिट इज हियर, द आंसर इज लाइक दिस, टोटल ऑफ 151 विच इज एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार divided by root of 182 x minus x bar square and divided by y minus y bar square which is 136. It is 151 divided by root of 182 divided by 136. Sir, अब मुझे फ़ायदा दिख गया है. वो दिखने ही वाला था, मैंने पहले ही कहा था. वहाँ फॉर्मूला काफ़ी लंबा है, यहाँ सम बहुत छोटा हो जाता है. इट इज़ 151, जस्ट दैट्स इट. एक रूट के बाद हम ख़त्म कर रहे हैं सम. 182 into 136 is 24752. सो 151 इन दोनों का इंटू किया है, 182 इंटू 136. आई विल चेक दिस अगेन. सो इट इज 24752. द रूट देयर ऑफ इज 157.33. सो फाइनली इट इज 151 डिवाइड बाय 157.33. ऑब्वियसली पहले हमारे पास आंसर प्रिंटेड था, अब ऑब्टेंड है, आंसर इज 0.96. सो अब हमारा ये पूरा सम सॉल्व हो गया. एवरी स्टूडेंट मस्ट नोट, सम बहुत जल्दी हुआ मेरे हिसाब से. तो अगर ये बड़े वैल्यूज का कोई XY मेथड करे तो उससे भी ये इजी है. एंड नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द सम इंटरप्रिटेशन, आंसर इज 0.96. इट इज पॉजिटिव, सो आंसर इज पॉजिटिव 0.96. हमने कल इंटरप्रिटेशन सीखा था, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कोरिलेशन. 0.96 0.75 से बड़ा वैल्यू है तो इट इज स्ट्रांग. सो इट इज स्ट्रांग पॉजिटिव कोरिलेशन. Once you are clear with this, our task of the day is over. अब इस method की आज आप practice करेंगे और कल हम एक नया method सीखेंगे. Take care. Bye bye.